जम्मू कश्मीर चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था पर जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी पीके पोले ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर काफी चुनौतियां रही हैं। काफी सालों से उसमें गिरावट भी आई है, लेकिन उतार चढ़ाव जारी है। इसके मद्देनजर हमने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीति भी तैयार की थी और किसी भी तरह की बाधा या राजनीतिक हिंसा मुक्त चुनाव करवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जहां भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बढ़ी हैं, उन क्षेत्रों में एक्स्ट्रा फोर्स की व्यवस्था है, जिससे निश्चित तौर पर शांतिपूर्ण चुनाव होंगे। डेफिनेटली जम्मू कश्मीर में पिछले 2-3 डेकेड का पीरियड से जो है सिक्योरिटी के चैलेंजेस है। काफी सालों से जो है उसमें गिरावट आई है, लेकिन उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। अभी जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हमने डिटेल में सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स वर्कआउट की थी, न सिर्फ कैंडिडेट के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के कैंपेनिंग के लिए, हमारे आरओ ऑफिसर्स के लिए, ऑब्जर्वर्स के लिए, स्ट्रांग रूम्स के लिए या आरओपीज के लिए, अलग अलग हेड पर हमें कितनी सिक्योरिटी की जरूरत लगेगी, कितनी कंपनीज की जरूरत लगेगी, वो जो है ऑनरेबल कमीशन के जरिए से एमएचए के साथ टेकअप किया और उसी के हिसाब से जो है हमें सिक्योरिटी अवेलेबल हो रही है। कहीं भी मुझे नहीं लगता कि हम जो है जैसे पीसफुल तरीके से लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट करवाएं, पॉलिटिकल वायलेंस कहीं नहीं होगी, उसके लिए हम पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त हैं।